दोस्तों, मैं जीशान आरिफ, और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में बताएंगे, TSC रजिस्ट्रेशन कर रहे थे आप, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट भी कर चुके हैं, पेमेंट करने के बाद अगर आपका पेमेंट कट चुका है और आपका यूजर नेम नहीं मिला है, तो किस तरह आप अपना यूजर नेम निकाल सकते हैं ऑनलाइन, इस वीडियो के माध्यम से तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको बताया कि CSC अगर आईडी आपके पास ऑलरेडी है तो आप किस तरह एक न्यू ICICI बैंक का CSP ले सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब वो वीडियो से अप्लाई कर दीजिएगा CSP के लिए, तो आपको अकाउंट नंबर तुरंत मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर करेंट अकाउंट आपको मिल जाएगा नंबर, उसके बाद करेंट अकाउंट का आप नेट बैंकिंग इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। ये वीडियो का भी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले, दोनों वीडियो को देखकर आप अच्छे से फ्री में CSC से ICICI बैंक का CSP ओपन कर सकते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए TSC का यूजर नेम फॉरगॉट करना सिखाते हैं। आपको TSC की वेबसाइट बनाना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, और यहाँ पे लॉगिन विथ अस्पिक क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन विथ अस्पिक क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा, यूजर नेम आपको नहीं मिला, पेमेंट कट चुका है, उसके लिए फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल पे OTP भेज देगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक OTP आ चुका है, जिसमें DR उसका हमारा जो TSC नंबर है, जो हमें नहीं मिला था पेमेंट करते वक्त, पेमेंट कर चुका था लेकिन TSC नंबर नहीं मिला था, तो यहाँ पे TSC नंबर दे रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे OTP दे रहा है। इस OTP को वहाँ फिलअप करके नया पासवर्ड भी हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे OTP आएगा उसमें TSC नंबर आपका रहेगा, तो यहाँ पे जो ये OTP, इस OTP को हम इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है न्यू पासवर्ड बनाने के लिए, एक नया पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे, उसी पासवर्ड को इस बॉक्स में कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा पासवर्ड है योर पासवर्ड इज अपडेट सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड, ये नया पासवर्ड के साथ बोल रहा है लॉग इन करें, यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये लॉग इन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पे TSC नंबर में जो भी TSC नंबर आपको मैसेज मिला होगा वो नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। TSC नंबर देने के बाद, पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिए ये लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे TSC नाम नंबर वगैरह सारा चीज़ आपको दिखने को मिल जाए। यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ पे लर्निंग पे क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पे PDF के माध्यम से इंग्लिश वीडियो के माध्यम से या हिंदी वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे इसके बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पे 10 मॉड्यूल आपको दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 10 मॉड्यूल को आपको एग्जाम देकर पास करना होगा। सबसे पहला मॉड्यूल आपको यहाँ पे अनलॉक मिलेगा, इस अनलॉक वाले आइकन पे ताला भी क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम देंगे, एक एक करके 10 मॉड्यूल का आपको एग्जाम देना होगा। उसके लिए यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, नए विचार के साथ नया उद्यम शुरू करना उद्यमता कहलाता है, तो इस तरह के यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो आप देंगे। इसके बारे में हम आपको पहले वीडियो दे चुके हैं, वो वीडियो देख लीजिए, नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसी तरह आपको एक मॉड्यूल में आपको 10 क्वेश्चन पूरे देने होते हैं। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट एग्जाम को क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट एग्जाम करेंगे, तो आपका पहला जो मॉड्यूल है वो कम्प्लीट हो जाएगा। पहला मॉड्यूल आपको 10 मार्क का था, जिसमें 5 मार्क आप ले आए, यानी कि पास हो गए हैं। कम से कम पास होने के लिए आपको 4 मार्क लाना होगा हर मॉड्यूल में। सही मॉड्यूल जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके दे दिया जाएगा, और इसके बाद आपको एक और फाइनल एग्जाम देना होगा। यहाँ पे देखिए, डियर सर मैडम किंडली वेट फॉर द फाइनल एग्जाम, यानी कि एक फाइनल एग्जाम और देना होगा सर्टिफिकेट के लिए। ये 10 एग्जाम देने के बाद एक फाइनल एग्जाम आपको देना होगा। जैसे मैंने अभी एक कंप्लीट किया, तो यहाँ फिर भी अभी 0 ही दिखा रहा है, यहाँ भी ये 0 शो कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे लॉग आउट करेंगे, इसको ये 0 शो कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे लॉग आउट करके एक बार फिर से लॉग इन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लॉग आउट करने के बाद लॉग इन किया, तो यहाँ पे मेरा एक सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आप 10 का 10 कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करेंगे आज का ये छोटा वीडियो आपको बहुत पसंद है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।